महोदय, जापान की यात्रा सदा ही सुखद होती है। यहाँ इतना कुछ और इतनी तेज़ी से हो रहा है कि यहाँ बार बार आकर यहाँ के लोगों और देश से बार बार परिचय करने का महत्व है। जापान की प्रगति की भारतवासी बहुत सराहना करते हैं। युद्ध के बाद आपका अपने देश का पुनर्निर्माण और आपकी हाल की आर्थिक सफलताएं असाधारण हैं, किंतु आपने जिस ढंग से अपनी राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली का कायापलट किया है और लोकतंत्र की स्थापना की है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं। मैं वर्तमान जापान की आत्मशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूँ। हम भारतवासी आपकी सफलताओं को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं और इस प्रयत्न में रहते हैं कि आपके कौन से अनुभव से हमें अपने प्रयत्नों में सफलता मिल सकती है। कोई चीज़ भी दूसरे से पूरी की पूरी उधार नहीं ली जा सकती, उसको लेकर आत्मसात करना होता है। विज्ञान के सिद्धांत तो सार्वभौम हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी लोगों के सामाजिक वातावरण के अनुकूल ढाली जानी चाहिए। जो लोग भारत के बाहर हैं, उनके लिए हमारे देश को समझना और हमारे प्रयत्नों की विशालता का अनुमान लगाना कठिन है। हमने आपसे बहुत बाद में शुरुआत की। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे देश के 500 से ऊपर राजनीतिक टुकड़े थे। जनसंख्या बहुत अधिक थी, भाषाओं और धर्मों की बहुतायत थी। विभिन्न राज्यों में ही नहीं, एक ही राज्य के भिन्न भिन्न भागों में विकास का स्तर भिन्न भिन्न था। इन सब बातों के कारण हमारी कठिनाइयां बहुत बढ़ गईं। ऐसा विशेष रूप से इसका कारण था कि हमने लोकतंत्रीय मार्ग अपनाया। पिछले आम चुनावों के बाद बहुत से राजनीतिक दल उठ खड़े हुए हैं और एक राज्य में गैर कांग्रेसी दल का शासन है और 5 राज्यों में कई दलों की संयुक्त सरकारें हैं। हमने इन सब बातों को अपने राजनीतिक विकास का ही एक चरण माना है। कुछ उग्रवादी दल हैं, फिर भी अपने उद्देश्य और तौर तरीकों में वे चाहे जितने भिन्न हों, हमें उनके मत को इस तरह ढालना है कि वे भी देश की एकता और प्रगति में पूरी तरह भागीदारी कर सकें। हमने अपने प्रयत्नों में पूरी ईमानदारी से भावनात्मक एकता और भागीदारी तो पैदा की है, लेकिन उसी से सशक्त स्थानीय परंपराएं भी जन्मी हैं। एकता का अर्थ एक सा होना नहीं होता। राज्य सरकार हमारे कार्यक्रमों को बदल डाले, कोई दूसरा नाम दे और ये पैसा दूसरे नाम से खर्च करने लगे, नहीं ठीक है। महोदय, हमारी संघीय रचना और जनता द्वारा चलाए जाने वाले स्थानीय शासन तंत्र से और सत्ता के विकेंद्रित प्रयोग से हमारी एकता सुदृढ़ हुई है।
कभी कभी तनाव और असहमति होती है, किंतु हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में और विशेष रूप से इस कारण ऐसा होना अनिवार्य है कि हमारे पास इतने कम साधन हैं कि प्रत्येक को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हमारे से छोटे छोटे देशों में भी अब क्षेत्रीय खींचातानी अनुभव की जा रही है। इन स्थितियों में हमने अपने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया। अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक सुविधाएं बढ़ाने, उद्योगों के लिए आवश्यक ढांचा खड़ा करने और ऐसे बुनियादी उद्योग स्थापित करने का काम शासन ने अपने जिम्मे लिया है, जिन्हें निजी उद्योग स्थापित नहीं कर सकते। साथ ही निजी उद्योगों के लिए भी बड़ा क्षेत्र बचा है और स्वतंत्रता के बाद निजी उद्योगों के लिए बढ़ने की बहुत गुंजाइश है और वास्तव में इन्होंने इतनी अधिक उन्नति की है कि इन्हें पहचानना कठिन है। विकास से अंततो गत्वा सब वर्गों को सहायता मिलती है, फिर भी यह लगता है कि शुरू के चरणों में इसके कारण असमानताएं बढ़ती हैं। हमें इस तरह के असंतुलन ठीक करने के बारे में सदा सजग रहना चाहिए। साथ ही आर्थिक कारणों के साथ साथ सामाजिक कारणों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस स्थिति के कारण कई बार हमारी गति मंद पड़ जाती है, किंतु युद्ध, प्राकृतिक आपत्तियों और अन्य कठिनाइयों के होते हुए भी हम आगे बढ़े हैं। हमने अपने लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है। हमारे 7.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और लगभग 20 लाख विद्यार्थी कॉलेजों में हैं। हमारे देश में 50 करोड़ परिवार खेती करते हैं। खेती ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले 55 वर्षों में खेती के विकास के लिए आवश्यक ढांचा स्थापित किया जा चुका है और 23 करोड़ एकड़ नई जमीन में सिंचाई होने लगी है। हमारे किसान नए ढंग से खेती करने लगे हैं और उन्हें खेती के लिए आवश्यक चीज़ें दी जाने लगी हैं। उनकी समस्याएं हल करने के लिए वैज्ञानिकों की सहायता ली गई है और आज हम अन्न की दृष्टि से और सुदृढ़ हो गए हैं। कृषि के सुधार के लिए लोगों को रोजगार देने और स्वावलंबी बनाने के लिए हमें उद्योगों की आवश्यकता है। उद्योगों का हमने 3 गुना विकास किया है और कर रहे हैं। जिन माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए, उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग को उचित बधाई दी है।